हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे यूयू यूनिक 2YU5011 में एफआरपी लॉक रिमूव कैसे होता है। इसी वीडियो में हम जानेंगे। ध्यान रखिए, ये जो एफआरपी लॉक है वो आप एसपी फ्लैश टूल में आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको YU5011 FRP फाइल चाहिए। एक स्केटर फाइल है और एक डॉट बिन फाइल है, वो दोनों चाहिए। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाए। उसके लिए आपको पहले तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फिर बाद में आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। आप एसपी फ्लैश टूल ओपन करें, फिर आपको क्या करना है, डाउनलोड एजेंट पे बिन फाइल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको पहले तो ये बात कॉपी कर लेते हैं जहाँ पे फाइल है, चूज पे क्लिक करते हैं, फिर बाद में राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। पाथ सीधा आ गया, ओपन पे क्लिक करते हैं, ये फाइल आ गई। आप देख सकते हैं फाइल आ गई, इसको पसंद करें। फिर आपको स्कैटर, ये वाली फाइल जो स्कैटर वाली है, ये चूज बटन पे क्लिक करके सेम आपने जहाँ फाइल रखी है वो पाथ ओपन करें, ओपन पे क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें। सीधा फिर आपको सीधा फॉर्मेट में जाना है, फिर मैनुअल फॉर्मेट पे सिलेक्ट करना है। फिर बाद में आपको पहला वाला जो कोड है उसको कॉपी करना है, फिर बिंग एड्रेस में पेस्ट करना है, फिर दूसरा वाला कोड जो है कॉपी कर ले राइट क्लिक करके, फिर बाद में दूसरे फॉर्मेट लेंथ पे पेस्ट करें, फिर सीधा स्टार्ट पे क्लिक करें। फिर आपको जस्ट इंसर्ट यूएसबी करना है, फोन कनेक्टेड हो गया है, थोड़ा वेट करें, ये हो गया एफआरपी लॉक रिमूव। ऐसे ही आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल जीएसएम हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।